गाइज आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम टेस्टी रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल में गाइज अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कुक जे जेके गाइज आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मसाला फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी जो बच्चों को बेहद पसंद आता है और बड़े भी उंगली चाट कर खाएंगे गाइज इसको एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूं मैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ना ही हमें इसको बॉईल करना है सिर्फ हमें छीलना है कट करना है और एकदम रेडी कर लेना है इसको तो गाइज आप सभी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बहुत मजा आने वाला है और एकदम टेस्टी तैयार होगा ये तो चलिए बना लेते हैं गाइज मैंने आलू ले लिया है उसको मैंने फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लिया है और देखिए इसको मैंने वॉश भी कर लिया है इसका सारा स्टार्च जो है वो निकल गया है गाइस अब हम एक कॉटन का क्लॉथ लेंगे और उसमें अपने सारे आलू को रख लेंगे और इसका जो पानी है उसको सोक करेंगे कॉटन के क्लॉथ में अच्छे से गाइस इसको प्रेस कर करके सोक करना है हमें सारा पानी क्लॉथ में देखिए गाइस पानी जो है वो एकदम सूख चुका है अब हम इसको बोल में ट्रांसफर कर लेंगे गाइस अब इसमें टू टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे जिससे इसमें बाइंडिंग आए थोड़ी सी थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर गाइस ताकि इसमें टैंगी फ्लेवर आए थोड़ा सा गरम मसाला और लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और ऑरिगेनो डाल लेंगे क्योंकि हम मसाला फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं गाइस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को और कॉर्नफ्लावर को गाइस इसको लेट नहीं करेंगे एकदम से गर्म ऑयल में इसको डाल लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्योंकि गाइस अगर ज्यादा देर तक इसको छोड़ देते हैं तो इसमें पानी आ जाता है अच्छे से इसको हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे गाइस और क्रिस्पी होने तक इसको हम उतारेंगे तो देखिए गाइस कितने टेस्टी लग रहे हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज गाइस हमारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो चुके हैं एक्सेस ऑयल को रिमूव करके हम इसको प्लेट में डाल लेते हैं गाइस देखिए एकदम लग रहे है ना रेस्टोरेंट स्टाइल में गाइस दूसरा बैच भी ऐसे ही डाल लेंगे हम अच्छे से हॉट ऑयल में डालना है इसको देखिए गाइस ये भी फ्राई हो चुके हैं इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए गाइस एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा है फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं देखिए गाइस कितने यम्मी लग रहे हैं एकदम डिलीशियस गाइस इसको मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है सॉस के साथ गाइस आप सभी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस इस तरीके से बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट वाले फ्रेंच फ्राइज भूल जाएंगे और आप यही बना बना कर खाएंगे गाइज अगर आप सभी के साथ गेस्ट आ रहे हैं कोई भी आ रहा है तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना बहुत ही टेस्टी बनेगा गाइज अगर आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी हो मेरी ये रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा गाइज इफ यू लाइक माई रेसिपी ड्रॉप अ लाइक लीव अ कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज